हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मानिया। 90s के टाइम में बॉलीवुड में सीक्वल्स बनाने का ट्रेंड नहीं था, लेकिन ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब फिर हेरा फेरी, क्रिश और धूम टू जैसी मूवीज़ को सफलता मिली, और तब से हिंदी फिल्म मेकर्स के लिए फिल्म को हिट साबित कराने का सबसे बेस्ट ऑप्शन सीक्वल्स बनाना हो गया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही मूवीज़ के बारे में बताएंगे जिनके सीक्वल्स का इंतज़ार सबको है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर वन, सिंघम 3। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन स्टारर दृश्यम का सीक्वल आ रहा है, और ऐसे में न्यूज़ आ रही है कि रोहित शेट्टी और सिंघम के मेकर्स सिंघम 3 की प्लानिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इस बार सिंघम मूवी में सिंघम इंडिया के बाहर जाकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, एंड इसकी झलक हमें सूर्यवंशी मूवी में देखने को मिल चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और न्यूज़ ये भी है कि सलमान खान उर्फ चुलबुल पांडे सिंघम 3 में कैमियो कर सकते हैं। नंबर 2, गोलमाल 5। सिंघम के अलावा गोलमाल 5 भी अजय देवगन की अपकमिंग सीक्वल्स में से एक है। इस मूवी को भी रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस मूवी की शूटिंग सिंघम 3 के बाद शुरू होगी। नंबर 3, क्रिश 4। कहा जा रहा है कि क्रिश 4 मूवी अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। ऋतिक रोशन के पास अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी फिल्म विक्रम वेधा कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के डबल रोल हो सकते हैं, तो अब ये कहना थोड़ा चैलेंजिंग है कि क्रिश 4 कब रिलीज होगी। वैसे आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्रिश 4 में किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाना चाहिए। नंबर 4, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 रिलीज होगी, ये बात तो सबको पता है। जैसा कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में हमें शिव के कैरेक्टर को दिखाया गया था, उसी तरह इसके सीक्वल में हमें देव के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये मूवी 2025 तक आएगी। नंबर 5, हाउसफुल 5। अक्षय कुमार की मूवी हाउसफुल 5 2023 में क्रिसमस तक रिलीज हो सकती है। इस बार इस मूवी के स्टार कास्ट में 5 एक्टर्स दिखाई देंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस मूवी में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन दिखाई देंगे। अब देखना ये है कि अक्षय कुमार की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। नंबर 6, टाइगर 3। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 2023 में दिवाली में रिलीज होगी। ये मूवी YRF स्पाई यूनिवर्स का एक पार्ट होगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस मूवी में इमरान हाशमी भी होंगे, जो नेगेटिव रोल में नज़र आ सकते हैं। नंबर 7, हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। इस मूवी को लेकर ये न्यूज़ आई है कि इस मूवी में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को कार्तिक आर्यन से रिप्लेस कर दिया गया है, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कार्तिक इस मूवी के साथ और अक्षय के कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगी या नहीं। नंबर 8, वेलकम 3। बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म सीरीज वेलकम का तीसरा पार्ट भी आने वाला है, और खबरों की माने तो इसकी शूटिंग 2022 के लास्ट से शुरू हो सकती है। इस मूवी में अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल का होना कंफर्म है, और अब मूवी में मेन लीड के तौर पर किसे कास्ट किया जाएगा ये डिसाइड नहीं किया गया है। नंबर 9, आशिकी 3। आशिकी मूवी की तीसरी इंस्टॉलमेंट बनने जा रही है, और इसमें कार्तिक आर्यन मेन लीड में होंगे। जी हाँ, ये कोई र्यूमर नहीं है, बल्कि कार्तिक आर्यन ने खुद सोशल मीडिया पर आशिकी 3 की अनाउंसमेंट शेयर की है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि कार्तिक के अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। नंबर 10, दोस्ताना 2। साल 2019 में धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म दोस्ताना 2 को अनाउंस किया था, और इस फिल्म का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न। शुरू में कार्तिक आर्यन फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नज़र आने वाले थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस मूवी में अक्षय कुमार दिखाई देंगे। नंबर 11, ओ माई गॉड 2। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया था, और इस पोस्टर में अक्षय भगवान शिव के किरदार में नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और एक्ट्रेस यामी गौतम भी नज़र आएंगी। नंबर 12, गो गोवा गॉन 2। सैफ अली खान स्टारर गो गोवा गॉन मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। ये एक जॉम कॉम यानी जॉम्बी कॉमेडी मूवी होगी। कहा जा रहा है कि ये मूवी इसके फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। नंबर 13, फुकरे 3। फुकरे मूवी का पार्ट 3 भी रिलीज होने वाला है। इस मूवी में पुराने स्टार कास्ट ही होंगे, और इस मूवी की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, अब बस इसका रिलीज होना बाकी है। नंबर 14, इश्क विश्क रीबाउंड। साल 2003 में आई शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क का सीक्वल आने वाला है, एंड गेस व्हाट, इस मूवी से ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं।
पश्मीना के अलावा रोहित श्रॉफ, जिब्रान खान और नायला ग्रेवाल भी लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 15, गदर 2। सनी देओल की मूवी गदर को कौन भूल सकता है। इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। इस मूवी के मेन लीड में सनी देओल और अमीषा पटेल होंगे और इस मूवी की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है और हो सकता है कि ये मूवी अगले साल रिलीज हो जाए। नंबर 16, अपने 2। इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसके स्टार कास्ट में सनी देओल, धर्मेंद्र, बॉबी देओल के साथ करण देओल भी दिखाई देंगे। नंबर 17, किक 2। सलमान खान की मूवी किक के पार्ट 2 का ऐलान बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन सलमान खान अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे। ये मूवी भी जल्द रिलीज होगी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस मूवी में जैकलिन फर्नांडिस की जगह कोई दूसरी एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं। नंबर 18, बागी 4। बागी 4 की अनाउंसमेंट 2020 में ही कर दी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इस पर काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन हो सकता है कि अब बागी 4 की शूटिंग शुरू की जाए। नंबर 19, बैंग बैंग रीलोडेड। ऋतिक रोशन स्टारर बैंग बैंग मूवी का सीक्वल भी आने वाला है और इसका नाम बैंग बैंग रीलोडेड होगा। इस मूवी में भी हमें ऋतिक और कैटरीना साथ दिखाई देंगे। नंबर 20, ड्रीम गर्ल 2। आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल का पार्ट 2 आने वाला है और इसमें बतौर एक्ट्रेस अनन्या पांडे को कास्ट किया गया है। पहली बार है जब आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे एक साथ किसी मूवी में नजर आएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस मूवी को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।